वृंदावन फिल्म के खास मुलाकात में आज हमारे साथ सूरज सिंह जी हैं। वो सूरज सिंह जिनके द्वारा राष्ट्रीय जनता दल यानी राजन, उस राजन में जान फूंका जा रहा है जो मध्य के कालखंड में जिसे कमतर आता आका जा रहा था, कम हो भी गया था, लेकिन जिस तरह आपको याद है उसी तरह हमको भी याद है, एक वह भी वक्त था जब पलामू प्रमंडल के 9 विधानसभा क्षेत्रों में से 7 सीटों पर आरजेडी काबिज हुआ था। यह स्थिति थी, लेकिन बीच कालखंड में स्थिति कुछ खराब हुआ, लेकिन उसी आरजेडी को जान फूंकना हम तो कहे शुरुआत में, लेकिन पूरी तरह से पुनर्जीवित करने का अगर श्रेय जाता है वर्तमान गुजरते वक्त में गढ़वा में, तो सूरज सिंह है हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी के जिलाध्यक्ष हैं। हम बात करेंगे, क्या हमने गलत कहा कि बीच के कालखंड में कुछ स्थिति हो गई, कभी 9 सीट में से 7 सीटों पर काबिज हुआ करती थी आरजेडी, किस तरह का वक्त था उस वक्त आपको याद होगा। पहले धन्यवाद, आप अपने बीच बिंदास न्यूज के माध्यम से जुड़ने का काम किए हैं और अपनी बातों को रखने का एक मौका दिया आपने, इसके लिए हम आपका आभारी हैं। और आपने जो सवाल किया, एक समय था जब पलामू प्रमंडल के 9 में से 7 विधानसभा पर राष्ट्रीय जनता दल काबिज थी। हाँ, एक दौर था वो 90 का दशक, जो दौर था 90 से लेकर 2009 तक का जो समय चक्र था, उस वक्त पलामू प्रमंडल में राष्ट्रीय जनता दल अपने वर्चस्व पे, अपने बलबूते पर काबिज थी, चाहे वो गढ़वा का सीट हो, मझाव बिश्रामपुर विधानसभा हो, हुसैनाबाद क्षेत्र हो, पाटन छतरपुर हो, पाकी हो, मनिका हो, ये सीट जो थी राजद की सीट थी। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि ये झारखंड में दिग्गज जो पिछला जो चुनाव हुआ था 2019 का, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जन जन के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए अपने सीटों को कुर्बानी देकर इस राज्य को बचाने के लिए, भाजपा के हाथों से मुक्ति दिलाने के लिए एक महागठबंधन बनाने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का ही देन है। उनके द्वारा ही यह महागठबंधन निर्माण हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जेएमएम शामिल हुई थी, और हम लोगों ने बहुत त्याग के साथ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए अपनी सीटों की कुर्बानी दी थी। जहां हम लोगों ने जीता वो सीट था, जहां राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 था वो भी सीट हम लोगों ने अपने गठबंधन सहयोगी दलों को देने का काम किया है, और जहां नंबर 2 पर भी थी राष्ट्रीय जनता दल वो सीट भी हम लोगों ने देने, सहयोगी दलों को देने का काम किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल कमजोर हो चुका था, उस परिस्थिति बनी थी, इसलिए हम लोग आज इस मुकाम पर है कि हमारा राज्य में सिर्फ एक विधायक है, इसमें एक मंत्री भी है, सरकार शामिल है, लेकिन आप लोग देखते आ रहे हैं, आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, इस झारखंड की स्थिति किसी छुपी भी नहीं है, गठबंधन को लेकर जो चल रहा है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने अपनी बात को रखा है, प्रधान महासचिव जी उन्होंने अपनी बात को रखा है, तो हम लोग अपने संगठन को विस्तार करने के लिए लगे हुए हैं, पार्टी को कैसे मजबूत करें, कैसे उस पुराने तेवर के साथ राष्ट्रीय जनता दल को पुराने वो दिन को वापस लाने का हम लोग का काम है, हम लोग काम कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, युवा हृदय सम्राट बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आह्वान है, पूरे पलामू प्रमंडल में राष्ट्रीय जनता दल अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, इसलिए संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाए। और जब से अध्यक्ष बना हूं मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल को एक एक करके, एक एक तिनके की तरह जोड़ जोड़ कर पार्टी को, संगठन को खड़ा करना है, जिससे आने वाला जो समय है, ज्यादा दिन बचा नहीं है, 3 साल को बीत गए हैं, अब अगले साल चुनावी साल हो जाएगा, दिसंबर शुरू हो जाएगा, जनवरी 2023 आ जाएगा, तो 24 से चुनावी होना है, लोकसभा विधानसभा दोनों होना है, तो हम लोग उसी को लेकर तैयारी कर भी दिए, संगठन का हमारा चुनाव भी पूरे राज्य में हुआ था, गढ़वा में भी हुआ था, दोबारा सबके आशीर्वाद से चुनाव भी जीते, और साथ ही साथ बूथ स्तर से हमारा कमेटी विस्तार काम चल रहा है, बहुत जल्द बूथ स्तर से कमेटी से लेकर प्रखंड जिला कमेटी विस्तार कर लिया जाएगा,
और हम लोग का भी एक बहुत जोरदार सम्मेलन गढ़वा जिला में होने जा रहा है। अब यदि वो ना तो लोग भूले हैं ना उनका जुड़ाव खत्म हुआ है, जो हम देखते हैं गांव क्षेत्रों में, तो और लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि आपके द्वारा लगातार बैठकें भी की जा रही हैं अपने जिला कार्यालय में, लोग आते हैं और उसी संख्या में लोग आते हैं, तो लोगों का जुड़ाव अभी भी वही उसी तरह से कायम है जिस तरह लोगों का जुड़ाव लालू जी के कार्यक्रम में अक्सर देखा जाता है। हम इधर भी जब लालू जी यहाँ आते थे, जब चुनावी दौर होता था, तो कार्यक्रम जब होते थे, तो केवल लोगों को मालूम हो जाया करता था कि हाँ इस कार्यक्रम में खुद लालू जी शिरकत कर रहे हैं, बिना बुलाए बिना कोई गाड़ी भेजे लोग स्वतः चलाया करते थे कार्यक्रम में। आज भी स्थिति वही है, लालू जी उसी स्थिति का परिणाम है कि आज बिहार में लालू जी जब नहीं थे चुनावी क्षेत्र में, तो अकेले दम पर उस राजद का नेतृत्व करके तेजस्वी यादव ने उस मुकाम पर आरजेडी को बिहार में ला खड़ा किया। झारखंड में ये स्थिति बदलेगी निश्चित रूप से, हमारी शुभकामना है। तो बैठकों का दौर भी चल रहा है आपका लगातार, लगातार पांच तारीख को हमारे प्रदेश बैठक थी, सभी राज्य के सारे जिला अध्यक्ष पहुंचे थे कार्यक्रम में। प्रदेश अध्यक्ष हुसैनाबाद के पूर्व विधायक आदरणीय संजय कुमार सिंह जी यादव को जब से कमान मिला है, एक पलामू प्रमंडल में उत्साह आ गया है, क्योंकि पलामू के बेटा के हाथ में कमान गया प्रदेश का, जो कि पलामू एक गढ़ है राष्ट्रीय जनता दल का, जहां गढ़ है वहीं के लड़के को अगर जो प्रखंड अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष सफर तय किया है उन्होंने, उन्हें पता है संगठन को कैसे चलाना है, तो हम लोग बहुत खुशी हुआ है कि उनके हाथ में कमान गया है और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार कार्यक्रम करेंगे। और अभी जस्ट आदरणीय लालू जी का ऑपरेशन सफल ऑपरेशन हो गया है सिंगापुर में, उनको लौट कर आना है, उसके बाद रूपरेखा कार्यक्रम का जिला वाइज तय होना है, प्रदेश में ही तय हुआ है। मीटिंग में कि हर जिला में हम इस पर राजनीतिक और चर्चा करें। सूरज जी आपने ऑपरेशन का जिक्र किया, एक बात कहें कि लालू जी चाहे तो व्यक्तिगत स्तर पर या अपना कोई बैठक करते हैं उसमें या तो सार्वजनिक मंच पर कुछ ना कुछ संदेश देने का काम करते हैं, इसमें भी उनके परिवार के लोगों में भी चाहे उनके बेटे हों या बेटियां हों, सब में उनका वही असर है जो इस ऑपरेशन में देखा गया। उनकी बेटी रोहिणी द्वारा अपनी किडनी दे गई, और तो कहा जाता है कि बेटे बाप के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन एक बेटी हो करके और किडनी दिया गया तो बीमार अवस्था में भी वह परिवार एक संदेश देगा। हम तो बहुत नजदीक से देख रहे हैं लालू जी को और उनके पूरे परिवार को, जब भी मिलने का मौका मिला हमको कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम कभी हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहे हैं या हम पूर्व मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं या उनकी पत्नी से मिलते हैं आदरणीय राबड़ी देवी जी से, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अध्यक्ष के नाते उनसे मिल रहा। हमेशा अपने भतीजा बेटा की तरह हमको प्यार दिया है, दुलार दिया है, जब भी गए हैं क्या सूरज कैसे हो, अब लगता ही नहीं कि हम किसी अपने राष्ट्रीय से बात कर रहे हैं। और उनका पूरा संस्कार उनके पूरे बाल बच्चों में हम देखते हैं, वही संस्कार है, बड़ों से कैसे बात करना है, छोटे को कैसे प्यार देना, सब कुछ टूट टूट भरा हुआ है, वही आज देखने को मिला है। बहुत सारे नेता आप देखते होंगे जब बड़े पद पर चले जाते हैं तो छोटे कार्यकर्ताओं को पहचानते तक नहीं है कौन है गया है, परिवार वही बिखरा हो जाता है, हो जाता है। लेकिन वहां मैंने देखा है कि लालू जी के परिवार, चाहे वो उनकी लड़कियां हों, चाहे उनके बच्चे हों, बेटे हों, मुख्यमंत्री बने हों, चाहे प्रताप जी हों, सभी लोग परिवार में एकजुट रहा है और हमेशा एक साथ खड़ा रखने काम करता है। अभी मैं जब ऑपरेशन होना था मैं दिल्ली खुद था, दिल्ली जाने से पहले भी उन्होंने आशीर्वाद दिया, काम करो क्षेत्र में, काम करो संगठन को मजबूत करो, इसी पर चर्चा हुआ। और हम तो देखते हैं कि लालू जी के हम लोग का 2014 में आखिरी बार गढ़वा आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, उसके बाद गढ़वा नहीं आए, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों के बारे में पूछते हैं कि वो फलना कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा, सभी के बारे में। हमको लगता है गढ़वा इतना लोग का नाम उनको याद था कि मैं कंफ्यूज हो गया था उनको बताने में, तो बोले कि हाँ हाँ सर ये सर वो लोग हैं, तो उनको इतना नॉलेज है, आज भी सबको याद, इतने उम्र हो गई 70-72 साल उम्र हो गई उनका, लेकिन मेमोरी पावर आज उनका बहुत जोरदार है, हर एक चीज के बारे में जानते हैं, क्षेत्र के एक बारे में, एक रोड गली के बारे में, लालू जी को गढ़वा के बारे में, गढ़वा जिला के बाद पलामू के बारे में नॉलेज है, तो हम लोग जानते हैं कि, और इसीलिए लालू जी का पूरा फोकस है झारखंड में पलामू प्रमंडल पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस बारे में कि ये राजद का गढ़ रहा, खतियानी जमीन है यहाँ पे, और उसको पूरी तरह से हम लोग पूरे मजबूती से ईमानदारी के साथ काम करके राजद को ही पुराने रंग में लौटाने का हम लोग का सपना भी है और काम कर भी रहे हैं उसी लगन के साथ। आम लोग का जुड़ाव भी हो रहा है, लोग देख रोज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, अभी और भी बहुत जल्द आप देखेंगे कि बहुत से जल्द और भी जो संख्या बल हम लोग साथ पूर्व के बहुत सारे सांसद हैं और भी लोग अभी जुड़ेंगे पार्टी के साथ, लगातार संपर्क में लोग हैं, बहुत जल्द ज्वाइनिंग भी उन लोगों का होना है,
जैसे लालू जी आते हैं विदेश से, हम लोग समय लेकर आदरणीय तेजस्वी जी के यहाँ पर उन लोगों को ज्वाइनिंग कराना है। तो हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, और जैसे आप जान रहे हैं लालू जी एक जमीनी नेता है, ये कोई हवा हवाई नेता नहीं है कि हेलीकॉप्टर उड़ाना है आके चले जाना है, जमीनी से जुड़े हुए नेता है। दलित, पिछड़ा, अकलियत, अल्पसंख्यक, चाहे हर एक समाज, अगड़ी जाति के लोग हो, हर एक समाज के लोग के लेकर साथ चलने काम करते हैं। आप देखते होंगे, चाहे भैया चाहे है रोहतास के, देखिए लोग बोलता है कि ब्राह्मण राजपूत का वो करते, लेकिन देखिए बिहार में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी है, एक रोहतास के पंडित जी को एमएलसी बना है, एक देखिए मुन्नी देवी जो आयरन करती थी स्टेशन पे उसको उठाकर उन्होंने एमएलसी बना दिया। जो गरीबों को हित को सोचने वाले लालू जी ही एक देश में ऐसे नेता है जो हर एक समाज के, समाज के अंतिम पैदा जो व्यक्ति खड़ा है उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं कैसे उस समाज को आगे लाया जाए, वो पिछड़े हुए लोगों को कैसे आगे का रास्ता दिखाया जाए। वो कभी उन्होंने कभी नहीं कहा, उनका सिर्फ एक ही सपना था कि जो कपड़ा ऊपर पहनते हो और कपड़े के जो हम शर्ट पहनते उसके अंदर लोग गंजी पहनते हैं, उनका यही था कि हमेशा रोटी को बदलते रहो, अगर एक तरफ तो तवा पे रोटी रखो तो रोटी जल जाएगा, इसीलिए हमेशा रोटी को पलट देना चाहिए कि रोटी भी अच्छी बनेगी। और वही काम लालू जी हमेशा करते हैं, समाज में हमेशा लोगों को दिशा दिखाने काम करते हैं, और हम उन लोग उन्हीं के बिताए रास्ते पर चलने काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी का जो क्रियाकलाप है उससे प्रभावित होकर देख ही रहेगा, आज बिहार सबसे बड़ी पार्टी है, अकेले दम से तेजस्वी जी यादव जी ने अपने दम पर राजद को वहां सबसे बड़ा पार्टी बनाया है, और आने वाला समय जो होगा बहुत, हम लोग झारखंड में वही उम्मीद करते हैं कि हम लोग सरकार में शामिल होकर भी वो कठित महसूस करते हैं। तो हम लोगों ने अपना साफ निर्देश दे दिया, अपने अपने भावनाओं को अवगत करा दिया आदरणीय लालू जी से भी, तेजस्वी यादव जी से भी और प्रदेश अध्यक्ष जी से भी। हर बार बात आती है जब संगठन की आप लोग बैठक करते हैं, चाहे तो राज्य मुख्यालय में बैठक हो, जिला मुख्यालय में हो, तो यह बात आती है कि हम लोग उपेक्षित महसूस करते हैं। आप सरकार में शामिल हैं, लगातार सरकार काम कर रही है, तो आखिर किस तरह की उपेक्षा होती है? जैसे उपेक्षा का मतलब, जैसे सरकार में हम शामिल हैं, हमारे एक विधायक को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मंत्री बनाया है, हम लोग बहुत आभार हैं कि हमारे एक विधायक को तो सरकार ने जगह दिया है, लेकिन संगठन सरकार से नहीं चलती है। संगठन काम है संगठन विस्तार करना, और संगठन कब बढ़ेगी जब संगठन के लोगों को सरकार में विभिन्न विभागों में जिम्मेवारी मिलेगी, तब हमारा संगठन विस्तार होगा। सरकार अपना काम कर, सरकार का हम लोग संतुष्ट है, जो हम लोगों ने वादा किया था, महागठबंधन बनी थी, हम लोगों ने साझा कार्यक्रम तय हुआ था, मैंने कहा शुद्ध साझा था हम लोग का, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि जेएमएम कोई कानून लाया जेएमएम का हो गया, उसमें राज्य जो तेईस भागता है कांग्रेस का ही है। जितना भी बिल आया है, चाहे ओबीसी आरक्षण हो, खतियानी का मामला हो, 1932 खतियान का मामला हो, या अन्य किसी और मामला हो, तो हम सब साथ हैं। ऐसा नहीं कि अकेले अपना मोबाइल लूट लेके हम जेएमएम ला दिया, ऐसा नहीं है, वहां राज्य भी उसमें शामिल है, हमारा मंत्री वहां काम किया। लेकिन संगठन और सरकार अलग अलग दो चीज है। संगठन हमारा विस्तार करने के लिए, जब तक हमारे संगठन में विभिन्न तरह के, जैसे विश्वसूत्री था, तो विश्वसूत्री में राजद के लोग, हम नहीं मांग रहे कि हमको सब सारा चीज, हम सारा प्रखंड राजद को दे दे, लेकिन जहां जहां राजद का बेस था वहां वहां राजद के लोग विश्वसूत्री में जगह देना चाहिए, निगरानी समिति उसमें जगह देना चाहिए, बोर्ड निगम उसमें सदस्य बनाना चाहिए। हम अध्यक्ष नहीं मांग रहे हैं, अरे कम से कम सदस्य तो बनाए अब हमारे लोगों को, जो इतने दिन से पार्टी सेवा कर रहा है, हम साथ में साथ चल रहे हैं। अगर गाड़ी का चार पहिया है, अगर तीन पहिया सही है, एक पहिया अगर पंचर हो जाएगा तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। इसी तरह हम लोग सरकार एक पहिया की तरह है और लगातार पहिया को उपस्थित कर रहे हैं। इस विषय पर कभी बात हुई ऊपर स्तर पर संगठन में? हम लोगों ने ऊपर स्तर पे हम लोगों ने बात किया है, हम लोगों ने खुद जाकर, मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ के लोगों से, मैं झारखंड गढ़वा जिला के लोगों का नाम मांगा था, मैं खुद नाम ले जाके प्रदेश सेंशन करा के सीएम साहब को अपनी जमा कर, मैं खुद अपने हाथ से दिया हूँ। फिर भी लेकिन जब नाम जब आया तो किसी एक लोग का नाम नहीं आया, किसी एक लोग का नहीं आया। अरे चुनाव था तो राजद के लोग आपको खुल के मदद किए, राष्ट्रीय जनता दल के लोग ईमानदारी पूर्वक जितना बन पाए उतना अपने आप से अपना लगाकर, अपना सब कुछ लगाकर अब मदद किया। लेकिन उम्मीद क्या आपके मिल रहा है? उपेक्षा। सरकार का आज कार्यक्रम हो रहा है बहुत जगह, आज ये पिछला जो 8 तारीख प्रोग्राम था पहले करवा नहीं था, इससे पहले प्रोग्राम हो रहा है, सरकारी प्रोग्राम हो रहा है, कहीं राजद के लोग कुछ नहीं होता है। अब चुनाव नजदीक आ रहा है, राजद के लोगों का होर्डिंग पोस्टर में नाम, राजद लालू जी का नाम जिंदाबाद, देसी का नाम जिंदाबाद, उससे पहले भी तो प्रोग्राम हुआ था गढ़वा में, कभी जिंदाबाद और कभी लालू जी का नाम पोस्टर नहीं लगा था। लेकिन जब चुनाव संजीक है, लोग जानता है कि राजद का अपना क्या वजूद है, सबको पता है राजद कोई ऐसे वैसे पार्टी नहीं है, जमीनी पार्टी है, इसके अपने वोटर हैं। और आज भी हर विधानसभा में राजद अपने आप को अपने बलबूते पर, इसी विधानसभा में 40,000 वोट अपने दम पर रखती है,
हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के कार्यकलाप देख के प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ने वाले हजारों किताबों में लोग खड़े हुए हैं। संगठन में कभी इस विषय पर बात तो जरूर होती होगी कि आगामी जो चुनाव विधानसभा का होगा उसमें गठबंधन धर्म का अनुपालन होगा या आरजेडी, कई बार ऐसा हुआ है कि अकेले दम पर चुनाव लड़ी है और फतह हासिल की है, तो क्या बात? देखिए, हम तो देखे जब भी देखे हैं कि जब भी राष्ट्रीय जनता दल अकेली लड़ी है, अपना सीट बढ़ाया है, और जब भी गठबंधन का चुनाव लड़ी है तो राजद का सीट घटा है। तो हम लोग अपने भावनाओं को अवगत करा दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी, अधिवेशन था दिल्ली में, वहां अवगत हम लोगों ने करा दिया। राज्य के पूरे प्रदेश के लोग गए थे, झारखंड के हर एक जिला के जिलाध्यक्ष पहुंचे थे, हर एक जिला के जिलाध्यक्ष अपना रिपोर्ट दिया है, अपना रिपोर्ट कार्ड बना के सौंपा, क्या क्या किस सीट पर पार्टी चुनाव लड़ेगी तो हम मजबूती हासिल कर सकती है। हमसे मांगा तो मैंने भी दिया है, हर सीट का जाति समीकरण के साथ साथ भौगोलिक स्थिति क्या है क्षेत्र का, कैसा कैसा क्या रूपरेखा है, कब क्या कब कौन विधायक आ रहा है, इसका सारा नाम के साथ हम लोगों ने भेजा है, किस विधानसभा में किस जात पे ज्यादा प्रभाव है, किस विधान किधर है, किधर हर तरह का हम लोगों ने, और कब किसका यहाँ पर विधायक रहा है राजद का, एक एक का नाम, एक एक कलिश भाई कब साल से लेकर मतलब राष्ट्रीय को दिया है। और रही बात हम लोगों का, तो हम लोग का प्रदेश अध्यक्ष का भी यही कहना है कि हम लोग एक सम्मानजनक सीट अगर मिलती है गठबंधन में तो हम लोग साथ हैं, अन्यथा पूरे हम लोग अपना अवगत करा दिया। हम लोग 81 पर लड़ने तैयारी हो रहा था, जी का कहना है हम लोग तो उनके बात पर चलेंगे, जैसा अध्यक्ष कहेंगे हम लोगों के कारण उनके अंदर में हम लोग हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष का निर्देश होगा हम लोग जिला अध्यक्ष पालन करेंगे, और जिला का रिपोर्ट हम लोग प्रदेश अध्यक्ष सौंप चुके हैं, और हम लोग का जो भावना है वो जानते हैं, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। सही बात है, राष्ट्रीय जनता दल को लोग न तो कभी भूले थे और ना ही वर्तमान गुजरते वक्त में भूले हैं, इसकी वानगी हर बार जब सूरज जी बैठक आयोजित करते हैं तब देखने को सामने आता है। लगातार इनके द्वारा जहां एक तरफ बैठकें की जाती हैं वहीं दूसरी ओर गांव-गांव जाकर लोगों को बूथ स्तर से जोड़ने का अभियान शुरू किया गया है। लगातार अभियान इनके द्वारा चलाया जा रहा है और लोग हर्षित भाव से जुड़ते चले जा रहे हैं। अब रही बात आगामी विधानसभा चुनाव की, तैयारी निश्चित रूप से हो रही है, हर पार्टियां करती हैं। कहा जाता है कि जब विधानसभा चुनाव होता है उसमें जो लोग निर्वाचित होते हैं उनके द्वारा अगले रोज से ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी जाती है, ऐसा ही होता है राजनीति में। तो सूरज जी द्वारा भी पूरे राजद द्वारा भी चुनाव की तैयारी की जा रही है, और सूरज जी द्वारा साफ तौर पर कहना है कि हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन की सरकार अपने राज्य में सत्तासीन है, सरकार चलायमान है, और अभी तक हम लोग गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आए दिनों उपेक्षित महसूस करते हैं, अगर इसमें सुधार नहीं हुआ और जहां तक विधानसभा चुनाव के करीब अगर टिकट की बारी आई और सीट बंटवारे की बारी आई उसमें भी अगर कहीं बाधा हुआ तो हम लोगों की तैयारी गठबंधन धर्म से अलग होकर के 81 विधानसभा क्षेत्र पर होगी। और साथ ही स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि आरजेडी है वह राजनीतिक दल है जिसके द्वारा जब भी अकेले दम पर चुनाव लड़ा गया है आरजेडी बहुत ज्यादा संख्या लेकर सामने आई है। अब देखना यह होगा कि आगामी चुनाव में क्या तस्वीर निकलकर सामने आए। कैमरामैन दीपक के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज़, गढ़वा।